अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यहाँ हमारे पास दो सीलिंग लाइट्स हैं जो कि ख़राब हो चुकी हैं। इनको हम ओपन करते हैं ठीक करने के लिए। तो ये मैंने एक ओपन कर लिया है, तो इसको खोल के अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। सबसे पहले मैं इसकी वायर जो इसके साथ लगी हुई हैं उनको उतार लूँगा। एक DOB SMD लाइट है, DOB डायरेक्ट ऑन बोर्ड को बोलते हैं, यानी कि इसके साथ ड्राइवर नहीं होता। इसके जो IC वगैरह होते हैं वो इसकी किट के ऊपर ही, इसके SMD के ऊपर ही लगे होते हैं। तो ये मैंने इसको बाहर निकाल लिया है SMD को। तो ये देख सकते हैं आपको यहाँ पर ब्लैक रंग के जिन SMD पे डॉट नज़र आएंगे, समझ लो कि वो SMD ख़राब हो चुकी है, उसको हम तब्दील करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास जो SMD है इसके अंदर दो, ये देखें, दो ब्लैक रंग के आपको डॉट नज़र आ रहे हैं, इन दो SMDs को हम चेंज कर देंगे। तो ये दूसरी वाली है, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। इसका मैं कवर खोलता हूँ। कवर खोलने के बाद इसकी भी SMD को मैं बाहर निकालूंगा और उसके अंदर भी देखेंगे कितनी SMD ख़राब है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी भी तकरीबन दो SMD जो है ख़राब हो चुकी हैं, जल चुकी हैं ये भी। इन दोनों ब्लेड्स को हमने मल्टीमीटर से भी चेक कर लिया है, इनकी जो SMD ख़राब थी वो उनको हमने वेरीफाई कर लिया है। LED टेस्टर है मेरे पास, उसके ज़रिए मैंने इसको चेक कर लिया है। अभी मैं इसको लेके जाऊंगा इस्त्री के ऊपर, इस्त्री जो कि चल रही है। इन दोनों प्लेटों को इस्त्री के ऊपर मैंने फेंक दिया है। यहाँ पर मैं इनको हीटअप होने के लिए इस्त्री को फुल चला दूँगा, और जैसे ये एक मिनट के बाद तकरीबन फुल ये रिमूवेबल हो जाएगी, फुल गर्म हो जाएगी। ये मैंने SMD उतारना शुरू कर दिए जो ख़राब हो चुकी थी, चल चुकी थी, वो दोनों SMD मैंने उतार ली हैं। और दूसरी प्लेट के ऊपर से भी जो जली हुई SMD है उसको भी मैं उतार लूँगा अभी आपके सामने। ये देखें ब्लैक डॉट वाली ये SMD भी मैंने दोनों यहाँ से रिमूव कर दी हैं। तो अभी इन दो प्लेटों में से मैं एक प्लेट में से SMD दो उतार के दूसरी प्लेट के ऊपर लगा के एक को यूज़ेबल बना दूंगा। दूसरी प्लेट के ऊपर जो SMD है वो हम किसी और प्लेट्स के लिए, हमारे पास और भी बहुत सी ख़राब प्लेट्स आएंगी, उनके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। या मेरे पास कोई और ख़राब प्लेट पड़ी होगी तो उसमें से मैं 4 SMD निकाल के इसके ऊपर लगा के दूसरी को भी यूज़ेबल बना सकता हूँ। तो मैंने इसको रेडी कर लिया है। आइए हम इस प्लेट को अब दोबारा इसकी फिटिंग के अंदर डालते हैं। इसको दोबारा से पैक करते हैं। ये बिल्कुल ओके हो चुकी है। तो दोस्तों, कोई भी आपके पास सीलिंग लाइट या कोई भी सीलिंग लैंप है, किसी तरह की भी LED लाइट है, तो उसको ठीक करने का तरीकाकार यही है कि उसको खोल के उसके अंदर से जो भी उसकी लाइट SMD ब्लैक रंग के डॉट आ जाएं उनको हम लाइट्स को चेंज कर देंगे। तो मैंने इसको दोबारा से पैक कर लिया। आइए मैं अब इसको आपको चेक करवा देता हूँ। ये बिल्कुल ठीक हो चुकी है। दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब फाल्कन फ्लोरा फॉर मोर वीडियोज़।